हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड करो यारो। टुडेज आवर टॉपिक इज टिम कुक बायोग्राफी। स्टीव जॉब के बाद टिम कुक ही वह इंसान है जिन्होंने अपने दिमाग और काबिलियत से एप्पल कंपनी को दोपता ऊंचाई की कगार पर पहुंचाया। आज इस वीडियो में उसी टिम कुक के प्रेरणादायक जीवन को हम जानेंगे। प्रारंभिक जीवन। टिम कुक का जन्म 1960 में अलबामा में हुआ था। उन्होंने ऑरबन विद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, औद्योगिक इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और साथ ही ड्यूक विश्वविद्यालय के फुका स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए भी किया। आईबीएम में 12 साल के करियर के बाद टिम कुक ने 1998 में एप्पल में शामिल होने से पहले इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉम्पैक में कार्यकारी भूमिका निभाई। 1998 में विश्वव्यापी संचालन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एसवीपी के रूप में वह एप्पल में शामिल होने के बाद से टिम कुक कंपनी को एक सफलता से दूसरी सफलता में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। अगस्त 2011 में कुक को पूर्ववर्ती स्टीव जॉब की मौत के बाद एप्पल के नए सीईओ का नाम दिया गया था। कुक के पिता का नाम डोनाल्ड था जो कि एक शिपयार्ड पर कार्य करते थे। कुक की मां का नाम गेराल्डिन था। वे एक गृहस्थ महिला थी। वह 3 भाई थे। कुक का एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई है। टिम कुक खुले तौर पर समलैंगिक है। उन्हें साइकिल चलाना पसंद है और वह जिम में अपना काफ़ी समय बिताते हैं। स्नातक करने के बाद कुक ने कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया। आईबीएम द्वारा उन्हें नौकरी पर रख लिया गया जहां उन्होंने निगम के उत्तरी अमेरिकी पूर्ति निर्देशक के पद पर स्थानांतरित किया। 1994 तक वह उत्तर और लैटिन अमेरिका दोनों में आईबीएम की पर्सनल कंप्यूटर कंपनी के लिए विनिर्माण और वितरण कार्यों का प्रबंधन करने लगे। आईबीएम में 12 साल के करियर के बाद कुक इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में पुनर्विक्रेता डिवीजन के मुख्य संचालन अधिकारी बने के एप्पल में कार्य। उन्होंने कुछ महीनों के लिए कॉम्पैक में काम किया। उन्हें एप्पल इंक के सीईओ स्टीव जॉब ने एक साक्षात्कार के लिए बुलाया। 1990 के दशक के अंत में एप्पल संघर्ष कर रहा था और कुक के दोस्तों और शुभचिंतकों ने उन्हें एप्पल में नियुक्त स्वीकार करने के खिलाफ सलाह दी। हालांकि कुक इस कंपनी से और स्टीव जॉब के दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हुए हैं और उन्होंने एप्पल में शामिल होने का फैसला किया। 3 साल बाद वह कॉम्पैक कंप्यूटर कॉरपोरेशन में उत्पाद सूची प्रबंधित करने के रूप में कॉरपोरेट सामग्री के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हो गए। उन्होंने यहाँ कुछ समय काम किया था। हालांकि कॉम्पैक में 6 महीने के कार्यकाल के बाद कुक ने एप्पल में काम करने लगे। उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत जोखिम भरा निर्णय लिया था क्योंकि उस समय एप्पल के मुनाफे में गिरावट आई थी। हालांकि उन्हें इस कंपनी का भविष्य अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था, पर कुक ने अपने सहज ध्यान का उपयोग करते हुए यह एक सही निर्णय लिया था। उन्होंने एर्बन के स्नातकों से कहा, एप्पल ने मैक बनाए थे लेकिन कंपनी उस साल बिक्री खो रही थी और यह विलुप्त होने के कगार पर थी। डेल कंप्यूटर के संस्थापक और सीईओ एप्पल माइकल डेल में नौकरी स्वीकार करने से कुछ ही महीने पहले सार्वजनिक रूप से पूछा गया कि एप्पल को ठीक करने के लिए क्या करेंगे और उनसे जवाब दिया, मैं इसे बंद कर दूंगा और शेयर धारकों के पैसे वापस दे दूंगा। टिम कुक उस समय में एप्पल इंक में शामिल हो गए जब कंपनी जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। में शामिल होने के एक वर्ष के भीतर कंपनी ने मुनाफा दर्ज करना शुरू कर दिया और वर्षों से राजस्व द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक बन गई। टिम कुक को एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब के साथ कंपनी के पुनरुत्थान के एक प्रमुख भूमिका निभाते हुए श्रेय दिया जाता है। कुक के उपाध्यक्ष के रूप में बोर्ड आने के बाद चीज़ें जल्दी बदल गई। हालिया रिपोर्ट के एक असाधारण बदलाव जो पिछले वित्त वर्ष से $ बिलियन का शुद्ध घाटा दिखाता रहा था,
वह एप्पल की शुरुआत के एक साल से भी कम समय में निगम लाभ की रिपोर्ट कर रहा। उप कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य संचालन अधिकारी के पास पहुँचे। उन्होंने मैकिंटोश डिवीजन की अगुवाई और पुनर्विक्रेता आपूर्तिकर्ता संबंधों के निरंतर विकास के साथ साथ विश्वव्यापी बिक्री और संचालन के प्रबंधन की जिम्मेदारी ली। अगस्त 2000 में कुक को पूर्व सीईओ और एप्पल सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की जगह लेने के लिए नामित किया गया। अक्टूबर 2011 में स्टीव जॉब का कैंसर से एक साल की लड़ाई के बाद निधन हो गया। कुक सीईओ के रूप में सेवा करने के अलावा कुक निगम के निर्देशक मंडल में भी बैठते थे। एप्पल कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में कुक ने कहा, आज दोपहर हमने घोषणा की कि एप्पल बीट्स म्यूजिक और बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स को दो तेजी से बढ़ते व्यवसायों का अधिग्रहण कर रहा है, जो हमारी उत्पाद लाइन का पूरक है और भविष्य में एप्पल पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार करने में मदद करेगा। हमारी कंपनियों को एक साथ लाकर अद्भुत विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, जो हमारे ग्राहक पसंद करेंगे। 2015 तक टिम कुक का शुद्ध मूल्य 785 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। क्षणिक कार्य। टिम कुक ने एप्पल के सिलिकॉन वैली मुख्यालय के पास स्टैनफोर्ड अस्पतालों को 50 मिलियन का दान दिया, जिसमें 2012 में बच्चों के अस्पताल के लिए 25 मिलियन डॉलर भी शामिल थे। उन्होंने दान उत्पाद रेड को 50 मिलियन का दान भी दिया, जो एड्स, तपेदिक और मलेरिया जैसे स्वास्थ्य मुद्दों से निपटने के लिए काम करता है। मार्च 2015 में उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने अपने पैसे का ज़्यादातर हिस्सा दान करने की योजना बनाई है और कहा कि वह परोपकार के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित करेंगे। पुरस्कार। फाइनेंशियल टाइम्स पर्सनल ऑफ द ईयर 2014, रिपल ऑफ चेंज अवार्ड 2015, फॉर्च्यून पत्रिका विश्व के सबसे महान नेता 2015, अलबामा अकादमी ऑफ ऑनर इंडक्टी 2015, मानवाधिकार अभियान का दृश्यता पुरस्कार 2015। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना एप्पल के सीईओ टिम कुक के बारे में। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाजू में दिए बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।